कार्वर टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को शासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस पार्क में टाइगर सफारी में अवैध निर्माण समेत कई मामलों में भेजा गया है, जिसमें उनसे 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। कार्बेट टाइगर रिजर्व, जिसमें देश भर के सैलानी सफारी के लिए आते हैं। इस पार्क की कुदरती खूबसूरती भले ही सैलानियों को खूब भाती हो, मगर जंगल में कुछ ऐसा भी होता है जिसे दुनिया शायद ही जान पाती हो। कार्बेट के कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग में भी ऐसा कुछ हुआ है। टाइगर सफारी के लिए कराए गए निर्माण और पेड़ों को काटने के मामले का शासन स्तर पर संज्ञान लिया गया है। इसे लेकर शासन ने सीटीआर के निदेशक राहुल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शासन के द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर राहुल कुमार को एक नोटिस जारी हुआ है। नोटिस में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप पाखरों में हुए अवैध निर्माण व उसके अलावा कई अन्य आरोप भी हैं। जवाब 15 दिन के भीतर मांगा गया है। जवाब संतोषजनक न मिलने पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कार्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। साथ ही ऐसा न करने पर अखिल भारतीय सेवाएं आचरण नियमावली के मुताबिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आरोप है कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग के तहत पाखरों में टाइगर सफारी के निर्माण के लिए स्वीकृति से ज्यादा पेड़ काट दिए गए थे। साथ ही क्षेत्र में सड़क, मोर घट्टी और पाखरों वन विश्राम परिसर में भवन के अलावा जलाशय का निर्माण कराया गया था। इन कामों के लिए वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी नहीं ली गई थी। मामले के सुर्खियों में आने के बाद एनटीएस की टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गड़बड़ियों की आशंका सही साबित हुई। विभाग में हड़कंप तो मचा, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ रेंज अधिकारी को हटाया गया था, लेकिन इसके बाद इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। शासन स्तर से फिर से मामले को उठाया गया है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या इस बार कोई बड़ी कार्रवाई हो पाएगी। जो नोटिस कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को जारी हुआ है, उसके बाद शासन क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जिस तरह से अनियमितताएं देखने को मिली थी और अवैध रूप से निर्माण किया गया था, उसको लेकर शासन काफी सख्त दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट इफ्तिखार हुसैन के साथ दानिश खान, एबीपी गंगा, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। विकास नगर में बिस्सू मेला मौत के मेला साबित हुआ है। मेले से लौटते समय विकास नगर में दर्दनाक हादसा हुआ। चक्राता ब्लॉक में कार हादसे का शिकार हो गई। कार सवार दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दो लोगों की अस्पताल ले जाते समय जान चली गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल है, जिसे देहरादून के हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग बिस्सू मेले से वापस अपने घर लौट रहे थे। सभी लोग एक ही परिवार से ताल्लुक ही रखते हैं।